आप लोग। जी, स्कैंडी डेटाबेसिस की अगर हम बात करें तो इसमें मेजर जो एग्जांपल्स हैं प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेसिस की, उसमें हमारे पास ट्रेम्बल है, प्रोसेट है, पीफार्म है। अब इसके अगर देख लें, जो ट्रेम्बल है ये स्टैंड्स फॉर ट्रांसलेशन ऑफ एम्बल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस। जो एम्बल यूरोपियन जो मॉलिकुलर बायोलॉजिकल जो लैब है उसके अंदर मौजूद जितने भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मौजूद है उस डेटाबेस में, उसको बेसिकली ये क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं इनटू अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड्स की फिर स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं, तो ये इस डेटाबेस के अंदर उसको सेव करते हैं। ये बेसिकली कंप्यूटर एनोटेटेड सप्लीमेंट है सिसप्रोट की, कि कंप्यूटर बेस्ड इसको हमेशा जो है हमारे पास जो भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आएगा उसको सॉफ्टवेयर में हम उसको ऐड करते हैं और फिर इसको ट्रांसलेट कर देते हैं इनटू प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड्स। तो हमें क्या कर देगा, एक सेट ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड कर देगा जिसको हम यूटिलाइज करते हैं आगे प्रोटीन की स्ट्रक्चर को डेवलप करने में। इसमें इट कंटेन्स ऑल ट्रांसलेशन ऑफ एम्बल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इंटी नॉट येट इंटीग्रेटेड इन स्विस प्रोट। बेसिकली जितने भी एंट्रीज एम्बल के अंदर होती हैं ये बेसिकली उनको ट्रांसलेट कर लेते हैं, इवन दो के अभी तक वो स्विस प्रोट के अंदर भी मौजूद नहीं होती। स्विस प्रोट भी क्या है, प्रोटीन डेटाबेस है। ठीक हो गया, प्रोटीन का कौन सा डेटाबेस है, प्राइमरी सोर्स का जो है वो डेटाबेस है। फिर इसी तरह से ट्रेम्बल जो है स्पीड न्यू सीक्वेंस इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। इसका काम जो है वो पब्लिकली जितनी भी इंफॉर्मेशन मौजूद है न्यूक्लियोटाइड्स की उसको अवेलेबल करना होता है इनटू अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स की फॉर्म के अंदर। इसके बाद हमारे पास प्रोसिट्स आ जाते हैं, ये डेटाबेस है प्रोटीन फैमिलीज का और उसके जो डोमेन का। फैमिलीज में हमारे पास एंजाइम्स भी आ जाते हैं, कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स भी आ जाती हैं, कुछ ट्रांसलेशनल प्रोटीन्स भी आ जाती हैं, कुछ जो है वो इनहिबिटरी प्रोटीन्स भी आ जाती हैं। तो डिफरेंट जो फैमिलीज आ जाती हैं और फिर आगे उनके फंक्शनल डोमेन क्या क्या हैं। अब कुछ डोमेन जो हैं वो इनहिबिशन करवाते हैं, कुछ ट्रांसलेशन अगर करवाते हैं, कुछ जो है वो रेगुलेशन करवाते हैं। तो प्रोटीन्स, उनकी फैमिलीज, उनके आगे फंक्शनल डोमेन्स, उनका जो है जितनी भी डिटेल होगी वो प्रोसेस के अंदर मौजूद होती है। इसमें जितने भी बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट साइट्स होती हैं, पैटर्न्स हैं, प्रोफाइल्स हैं जो हेल्प करती हैं ताकि टू रिलायबली आइडेंटिफाई टू विच नॉन प्रोटीन फैमिली अ न्यू सीक्वेंस बिलोंग्स। हमारे पास एक अगर अननोन सीक्वेंस आ गया, हमने उसको देखना है कि यह हमारा अननोन सीक्वेंस किसको, किस फैमिली, किस डोमेन को जो है वो टारगेट कर रहा है। तो हम अपना वो सीक्वेंस बेसिकली क्या करते हैं, सर्च इंजन एनसीबीआई के अंदर भी और जितने भी डेटाबेसेस होते हैं उनके अंदर एक सर्च का ऑप्शन होता है, हम वहां पे अपना डाटा जो है वो पेस्ट करते हैं और सर्च करते हैं। तो ये हमें विद इन फ्यू सेकेंड क्या करेंगे, हमारा जो बेस्ट मैच सीक्वेंस होगा उस डेटाबेस के अंदर वो प्रोवाइड कर देंगे। अब हमारे पास तो अननोन सीक्वेंस था, हमें नहीं पता था वो सीक्वेंस है क्या, उसकी प्रोटीन की स्ट्रक्चर क्या है। जब हमने उसको सर्च किया तो जो बेस्ट मैच, बेसिकली ये हमें स्कोर्स भी देते हैं कि 70% मैच कर रहा है उस डेटाबेस के अंदर मौजूद जो सीक्वेंस है उसके साथ, 80% कर रहा है, 90%, 98, 100 या 99%। जब हम देखते हैं कि वो प्रोटीन जो जिसके साथ इसने मैच किया तो हम उसका नेम निकालते हैं, उसको जब हम सर्च करते हैं तो उस प्रोटीन के रिलेटेड हमें तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ये बेसिकली जो हमारा सीक्वेंस था वो ये प्रोटीन है, उसका ये डोमेन है, ये इसका फंक्शन है, ये इसने काम करना होता है। विद इन फ्यू जो है वो मिनट्स हम इस तमाम जो है वो चीजों को कर सकते हैं। और अगर हमने विदाउट सॉफ्टवेयर यूजेज या इन डेटाबेस को यूज किए बगैर हमने करना होगा तो हमारे लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा कि हम इन डेटाबेस को यूज किए बगैर जो है वो चीजें इस तरह से एनोटेट कर लें, उनके फंक्शंस जो है वो
फाइंड आउट कर लें। फिर इसी तरह से इसको मेंटेन जो है वो किया जाता है मच लाइक जो है वो स्विस कोड की तरह ही। फिर इसी तरह से बेस्ड ऑन रेगुलर एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग करेक्टर सब सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन फैमिलीज आर डोमेन, ये बेस करती है जितने भी रेगुलर एक्सप्रेशन आते हैं या करेक्टर्स या सब सीक्वेंस जो डिस्क्राइब किए जाते हैं किसी भी स्पेसिफिक प्रोटीन फैमिली के या डोमेन के, उसके ऊपर बेस करता है। कि कोई भी अगर हमारे पास सब डोमेन आ गया, कोई भी हमारे पास प्रोटीन सीक्वेंस आ गया है, वो किस तरह से रेगुलरली एक्सप्रेस होती है, ये उनके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि उस प्रोटीन का फंक्शन क्या है, उसके आगे फैमिलीज क्या है। पी फॉर्म में अगर देखें ये भी फैमिलीज जो है उनको एज ए डोमेन डिफाइन करती हैं, मेजर बिग डोमेन के तौर पे जो है वो काम करती हैं कि ये इंटीग्रेज फैमिली है, ये हमारे पास जो है वो डीहाइड्रोजिनेज फैमिली है एंजाइम्स की। मींस हमारे पास एक तो फैमिली आ गई, आगे उनके डोमेन्स बन गए, एक प्रोटीन के अंदर उसका डोमेन है और एक सब डोमेन में प्रोटीन की मौजूद है फैमिली, सब फैमिली इसको हम कह सकते हैं। जो पी फॉर्म है इसका काम जो है वो फैमिली का फिर सब फैमिली को डिस्क्राइब करना होता है कि एंजाइम्स हैं, कौन से एंजाइम्स हैं इंटीग्रेज हैं, कौन से एंजाइम हैं डीहाइड्रोजिनेज हैं, इसी तरह से दूसरे जो हैं वो सब डोमेन्स या सब फैमिलीज को ये डिफाइन करते हैं। इनको भी सर्च किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है आगे इनके डोमेन्स को या उनके सीक्वेंस से डोमेन्स को फाइंड करने के लिए। ये लाइसेंस्ड जो है बेसिकली डेटाबेस है जीएनयू जनरल पब्लिक लाइसेंस, मेकिंग इट अवेलेबल टू द एवरीवन। फिर हमारे पास जो लास्ट डेटाबेसिस आ जाते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं कंपोजिट डेटाबेसिस। ये बेसिकली दे कंपाइल एंड फिल्टर सीक्वेंस डेटा फ्रॉम डिफरेंट प्राइमरी डेटाबेस टू प्रोड्यूस कंबाइंड नॉन रिडंडेंट सेट्स दैट आर मोर कंप्लीट देन द इंडिविजुअल डेटाबेस। इन्होंने जितने भी प्राइमरी डेटाबेसिस हैं हमारे पास, चाहे वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के प्राइमरी डेटाबेसिस हो, चाहे वो हमारे पास अमाइनो एसिड्स के प्राइमरी डेटाबेसिस हो, उन तमाम से एग्जांपल अगर हम ले लें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में हम देख लेते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के प्राइमरी डेटाबेस हमारे पास तीन थे, जापान का था, फिर यूएस का था एनसीबीआई का आ गया, फिर तीसरा जो है वो यूरोपियन जो मोलेकुलर लैब का है एम्बल। अब इन्होंने क्या करना है, उन तीनों से डेटा को फिल्टर करना है, जो बेस्ट फिट डेटा होगा वो यहाँ पे अपने पास क्या करते हैं स्टोर करते हैं। सेम इसी तरह से प्रोटीन्स के जितने भी प्राइमरी और प्राइमरी डेटाबेसिस हैं, अमाइनो एसिड सीक्वेंस को टारगेट करते हैं, उनकी आगे जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स को टारगेट करते हैं, और जो बेस्ट फिट सीक्वेंस विद देयर प्रोटीन स्ट्रक्चर उसको ये क्या करते हैं बेसिकली अपने पास जो है वो स्टोर करते हैं। अब जो एग्जांपल है कंपोजिट डेटाबेस की, ये बेसिकली ऑल ये अमलगा में चार जो है वो पब्लिकली जितनी भी डेटाबेस प्राइमरी सोर्सेज की डेटाबेस जो अवेलेबल होती हैं उनका, और ये बेसिकली एक स्ट्रिक्ट रिडंडेंट जो है वो क्राइटेरिया के थ्रू, उसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते। अब पांच सीक्वेंस प्राइमरी डेटाबेस में मौजूद थे, तो इन्होंने क्या किया है कि पांच में से एक जो है वो बेस्ट वन जो है वो उसको लिया, या उन पांचों को मिला के जो बेस्ट वन सिक्स वन प्रोड्यूस हुआ है वो लिया, ठीक हो गया। फिर जो ऑल है बेसिकली कंबाइन फोर पब्लिकली अवेलेबल प्राइमरी सोर्सेज, जिसमें स्विस प्रोट है, फिर है जेनबैंक है, एन आर एल थ्री डी स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे मौजूद होते हैं, और हमारे पास एंड पे जो सब जितने भी हमने डेटाबेसिस पढ़ी हैं उसमें सीक्वेंस, ये बेसिकली तमाम की तमाम हमारे जितना भी एक ओवरव्यू है इस टेबल के अंदर, कि हमारे पास सीक्वेंस डेटाबेसिस जो है वो न्यूक्लियोटाइड में अगर देखें जेनबैंक एम्बल बैंक आ गया है, प्रोटीन में अगर देखें तो स्विस प्रोट और पी आई आर पेर आ गया है, फिर इस तरह से स्ट्रक्चरल डेटाबेस में अगर देखें प्रोटीन डेटा बैंक आ गया है, एनडीबी न्यूक्लियोटाइड का आ गया है, फिर डेली आ गया है, एमएसटी, ये सारे के सारे डेटाबेस के नेम्स हैं। कुछ डेटाबेस यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए हैं जो मेजर डेटाबेस जो यूज होते हैं। फिर इसी तरह से माइक्रो एरे डेटाबेस है, एरे एक्सेस आ गया है, मियामी आ गया है, केमिकल डेटाबेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटाबेस है जब हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर किसी भी केमिकल की आ गई,
केमिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं जो हम केमिकल अल्केन अल्कीन अल्काइन सो ऑन जो भी केमिकल हमारे पास आ जाते हैं, जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स आते हैं, वो भी तो किसी ना किसी केमिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू ही डेवलप होते हैं। तो ये पबकेम जो है वो बेसिकली उनकी 3D जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डेवलप करता है, उनकी तमाम जो है वो एनोटेशन, उनकी बॉन्ड बाइंडिंग, उनके बॉन्ड्स, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी, ये तमाम को डिफाइन करता है। फिर पाथवे डेटाबेसिस कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास, के सेल के अंदर अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसका पाथवे कौन सा है, वो किस तरह से फंक्शन कर रहा है, वो सारे के सारे अगर हम डेटाबेसिस देखें तो उसमें KEGG आ गया है, फिर इसी तरह से बायोसिलिको आ गया। इंजाइम डेटाबेसिस में इस ये तमाम के तमाम क्या करते हैं, ये इंजाइम डेटाबेस सिर्फ और सिर्फ टारगेट करता है इंजाइम को, जितने भी इंजाइम सेलुलर एक्टिविटी के अंदर यूज होते हैं, चाहे वो सेल के लेवल पे हो चाहे वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हो। एक्सपे आ गया, फिर रीबेस आ जाते हैं, फिर उसके बाद डिजीज डेटाबेसिस भी। जेनेटिक मेकअप के अंदर जब म्यूटेशंस आ जाती हैं, क्रोमोसोमल अब्रेशंस आ जाती हैं, तो जेनेटिक डिफॉर्मिटीज जो हैं वो डेवलप होती हैं। अब उसी जेनेटिक डिफॉर्मिटीज की वजह से जो डिजीजेस यहाँ पे आएंगे उनको जो है वो उनका जो डेटाबेस है उसको ओमिम या ओमिया का नाम देते हैं। फिर लिटरेचर हमारे पास जो है वो सबसे बड़ा कि इन तमाम स्ट्रक्चर्स, इन तमाम सीक्वेंस और जितने भी हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन आती है वो क्या हो जाती है, एक लिटरेचर एनोटेटेड फॉर्म में, डिस्क्राइबिंग फॉर्म में, मेथोडोलॉजिकल फॉर्म में, इंस्ट्रक्टिव फॉर्म में, कमेंट्स की फॉर्म में, एक पेपर की फॉर्म में जो है वो हमें डेवलप फॉर्म में मिलती है, जिसको हम लिटरेचर डेटाबेस के थ्रू सर्च करते हैं। जो इनमें दो बड़े सबसे बड़े यहाँ पे पबमेड है और फिर जो है वो स्कोपस, ये दो ऐसे डेटाबेसेस हैं जो यूज होते हैं हमें दुनिया जहान का। हमने अगर कोई पेपर फाइंड करना है पबमेड में आप सर्च करो, स्कोपस में आप करो, तो आपको वहां से मिल जाते हैं। ये तो आज का जो है वो यहीं पे चीजें जो है वो एंड हुई हैं। अब आप लोग जो है वो देख लो कि कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों का है तो पहले तो आप लोग उसको कंफर्म करो, पहले तो ओपन करवाओ ना, अपना अनम्यूट करवाओ सर उमर को कह के कि आप सब लोगों को अनम्यूट कर दें, और फिर जिस जिसका क्वेश्चन है वो आप लोग क्वेश्चन करो। जी बच्चों भाई कोई मैसेज करे सर को ताकि आप लोगों को अनम्यूट करें। अगर कोई यहाँ पे GR CR कोई भी अगर है तो सर को मैसेज करो भाई। उमर साहेब सर हेलो, जी सर, जी सर ये बच्चों को जरा अनम्यूट करें सबको सर, बच्चों हाँ जी सबको अनम्यूट कर दें। ओके सर, बस करा
जी बच्चों, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो करो। उमर साहब, ये बच्चों को जो है वो करें, अनम्यूट करें ताकि बच्चे क्वेश्चन कर सकें। हेलो सर, क्या बात है। हेलो सर, जी, मैंने कहा जी बच्चों को जरा ना। जी जी बात। अनम्यूट किया तो बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन करें भाई। आप लोगों ने खुद को म्यूट किया होगा सबने। जी, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन नहीं है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी बच्चे, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे बताया कि कंपोजिट जो डाटा बेस है प्रोटीन की, उसमें हम जी सिर्फ प्राइमरी डाटा, जो मतलब प्राइमरी डाटा उसको रिफाइन करके फिल्टर करके मतलब हम आगे फॉरवर्ड करते हैं या करते हैं, तो उसमें सेकेंडरी डाटा हम क्यों नहीं यूज कर सकते। अगर स्कैंडरी डेटाबेस को हम देखें ना, तो वो बेसिकली एक स्पेसिफिक कोर को या स्पेसिफिक जो है वो डोमेन को टारगेट करते हैं। और जो प्राइमरी बेस डेटाबेस होता है ना, उसमें हमें ऑल टाइप की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है हमारे पास। इसलिए अब हो सकता है कि जो स्कैंडरी डेटाबेस है वो तो पहले ही रिफाइंड फॉर्म में मौजूद है, जो सॉरी स्कैंडरी जो डाटा है वो पहले ही रिफाइंड फॉर्म के अंदर मौजूद है। जो प्राइमरी डाटाबेस है वो एक हमारे पास रॉ मटेरियल होता है। तो हमने अगर कोई बेहतर से बेहतर चीज बनानी है, तो उस रॉ मटेरियल में से हो सकता है कि प्राइमरी डाटाबेस में जैसे जैसे इंफॉर्मेशन अपडेट होती जाती है, तो और मोलेकुलर लेवल पे जो हमारे पास क्या है, जो सब यूनिट्स हैं वो न्यूक्लियोटाइड और अमाइनो एसिड्स हैं, तो वो कहाँ पे मौजूद है? हमारे पास प्राइमरी डाटाबेस के अंदर मौजूद है। इसलिए उसकी जो फिल्टराइजेशन है उसके थ्रू चीज जो है वो बेटर डेवलप होती है एज कंपेयर टू स्कैंडरी। स्कैंडरी में इतनी अपडेशंस मौजूद नहीं है। जी ठीक है, थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन है, आपने बताया कि न्यूक्लियोटाइड एसिड्स होते हैं वो प्राइमरी डेटाबेसेस होते हैं, तो अमाइनो एसिड्स जो डेटाबेसेस होंगी वो क्या होंगी, वो भी प्राइमरी डेटाबेसेस वो होंगी या वो प्राइमरी, सेकेंडरी, बिल्कुल दोनों ही ऐसे ही। प्राइमरी। हमारे पास जब भी एक चीज याद रखो भाई, जब हमारे पास सीक्वेंस आएगा ना, चाहे वो न्यूक्लियोटाइड हो चाहे वो अमाइनो एसिड हो, वो प्राइमरी डेटाबेस में होगा। सीक्वेंस कोई भी हो वो प्राइमरी में होगा, ठीक है। हाँ, उसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर डेवलप कर रही है वो सेकेंडरी में जाएगी। हाँ, कुछ स्पेसिफिक हमने स्ट्रक्चर डेवलप करनी है, जब हमने टारगेट करना है उसके करेक्टराइजेशन करनी है कि ये डोमेन्स कौन से हैं, ये फैमिलीज कौन सी हैं जीन की, ये प्रोटीन की फैमिली कौन सी है, ये कौन से इनके स्ट्रक्चर्स हैं, कौन सी इसकी केमिकल कंपोजिशन है, कौन से इनके फंक्शंस हैं, तो फिर कंपोजिट डाटा हमारे पास आ जाता जी ठीक है, थैंक है। जी बिल्कुल यू सर। सर जो जीनोम एनोटेशन, ये तो हम यूक्लियोट से मतलब एक्सोन और एंट्रोन को सेपरेट करके आगे मतलब के प्रोडक्ट्स की रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो प्रोक्रियोट्स में क्या होता है उनका फंक्शन। किसका फंक्शन बच्चे? सर जीनोम एनोटेशन जो है वो हम हाँ लोग
यूकेरियोट्स में मतलब एक्सोन और एंट्रॉन्स को सेपरेट करके मतलब आइडेंटिफाई करके अगर प्रोडक्ट्स आते हैं तो प्रोकैरियोट्स में क्या करते हैं? प्रोकैरियोट्स में भी हम ऐसे ही करते हैं, मैंने बात की थी कॉन्टेक्स की, यहाँ पे वो मुझे बड़ा फील होता है कि हमारे पास व्हाइट बोर्ड नहीं है। कॉन्टेक्स बेसिकली क्या होते हैं, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के सेगमेंट्स होते हैं, हमने उनको आपस में अरेंज कर लिया। हमारे पास फॉर एग्जांपल वो हमारे पास थे भी शॉर्ट फॉर्म में 15-15 के हमारे पास आ गए, 10-15 सीक्वेंस हमने उनको अरेंज कर लिया, वो हमारे पास एक लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आ गया, 150 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स आ गए। तो अब हमने उसमें से देखना है कि हमारा जो है वो एक्सॉन्स या कोडिंग रीजन कौन से हैं। अब जो हमने एक्सपेरिमेंट में प्राइमर्स यूज करते हैं ना, वो भी बड़े स्पेसिफिक होते हैं, प्रोकैरियोट्स के हों, यूकैरियोट्स के हों, वायरस के हों, वो हम बड़े स्पेसिफिक से प्राइमर यूज करते हैं। फिर हम उन प्राइमर सीक्वेंस को अलाइन करते हैं, जहां से हमारा पहला और एंड वाला आ रहा होगा कि ये प्राइमर के दरमियान जो सीक्वेंस होगा वो हमारा क्या होगा, कोडिंग रीजन होगा। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोडिंग रीजन जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे, उन्हीं को हम एक्सॉन का नाम देते हैं। आजकल आपने बताया कि एचआईवी वायरस का मतलब कि वो डेटाबेस है, तो कोविड-19 की डेटाबेस क्या होंगी? कोविड-19 की जो है वो GISAID जो है वो डेटाबेस है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस का डेटाबेस है बेसिकली, ठीक है जी। तो वहां पे अब पहले जो स्टार्ट में सीक्वेंस जो सबमिशन हुई थी राउंड अबाउट 7-9 सीक्वेंस जो थे वो इन्होंने किए थे NCBI में, फिर जो है वो सारी की सारी जो है इन्होंने गिस एड के अंदर जो है वो डेटा डिपॉजिट, उसका एक स्पेसिफिक उन्होंने नेम दिया है, पहले इन्फ्लुएंजा वायरस का था, फिर इन्होंने दो सब सेक्शन कर दिए, एक साइड पे इन्फ्लुएंजा वायरस आ गया, दूसरी साइड पे जो है वो SARS कोरोना वायरस 2 का आ गया। अब वहां पे मोर देन 80,000 सीक्वेंस मौजूद है। आपने सर जो कोविड-19 जो आपने बताया डेटाबेस का नाम GISAID कैपिटल में जब लिखोगे आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इसको असेस करने के लिए हमें यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए होता है, और वो हमें जो है वो स्पेसिफिक क्रिएट करना पड़ता है, और इसको जो है वो असेस करते हैं जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं या आपका कोई इंस्टीट्यूशनल मीन्स कोई यूनिवर्सिटी का आपके पास यूजर आईडी है, क्योंकि जब भी हम एडमिशन लेते हैं तो यूनिवर्सिटी हमें अपना एक जो है ना वो स्टूडेंट आईडी डेवलप करके देती है, उसी की बेस पे ईमेल भी बनते हैं, ठीक है। हम वो स्पेसिफिक ईमेल फिर जब यूज करते हैं तो उनके पास रिकॉर्ड जाता है कि इस इंस्टीट्यूट से, हम बाकायदा जब हम अपना आईडी बनाएंगे तो वो हमारे से सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी नेम, डिपार्टमेंट नेम, रीजन क्या है, आप लेवल कौन सा है, आपका रिसर्चर हो क्या, हो आप क्या करना चाह रहे हो इस डेटा के साथ, ताकि जो अननोन क्यूरीज हैं या अननोन जो पर्सन हैं वो डेटाबेस को जो है वो यूटिलाइज ना करें, क्योंकि फिर ये स्लो बहुत हो जाते हैं, डेटा की रिट्रीवल जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो डाउन हो जाती है। तो यूजर नेम और पासवर्ड होते हैं वो डेवलप करके देते हैं, उसको यूज करके तो फिर ये हमें जो है वो असेस देते हैं सारे के सारे डाटा के ऊपर। जी सर, थैंक यू सर, वेलकम। जी कोई और बच्चा?
नहीं बच्चे की सभी को समझ आ गई है, ये तो इम्पॉसिबल है कि सभी को समझ आ गई हो, ये तो मुझे पता है। या सारे मोबाइल रख के भागे हुए हैं, साइडों पे काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। सर लास्ट टाइम हमने एक टर्म पढ़ी थी, होली ग्रेल ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। जी जी सर, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, समझ नहीं आई थी लास्ट टाइम। होली ग्रेल है बेसिकली, ये वर्ड यूज किया जाता है बिफोर बीसी, ठीक है। होली ग्रेल होता है ट्रेयर, ट्रेयर खजाना जिसे हम कहते हैं, ठीक हो गया ना। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का जो खजाना है वो किसके ऊपर बेस करेगा, मोलेकुलर लेवल का जितना भी डाटा उसके ऊपर बेस करेगा। जी सर। हाँ जी, कोई और भाई टर्मिनोलॉजी की समझ आ रही है सबको? जी सर। पक्की बात है? यार सारे बोलो, क्या हो गया है? ऐसे परेशान होके बैठे हुए, ये पता नहीं क्या हो क्या रहा है। कोई भी टर्मिनोलॉजी है ना, अगर आप लोग बैठे हुए हो तो आप अपने पास एक पेन पेंसिल पेन और कॉपी जरूर रख लो, पेज रख लो। आ रही है टर्मिनोलॉजी आ रही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को टर्मिनोलॉजी का ही इश्यू आएगा, जहां तक मुझे पता है। नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। ये चीजें आपने सारी पहले पढ़ी हुई है, और अगर थोड़ा सा अगर आप लोग कर लो कि ये जो डेटाबेसेस जिनके मैंने नाम लिए हैं, आप इनको सर्च कर लो, सिर्फ सर्च करके इनके आउटलुक देख लो, आपको ये भूलेंगे नहीं। इवन दो मैं, मेरा बायो इन्फॉर्मेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है, मैंने यहाँ पे आके बायो इन्फॉर्मेटिक्स स्टार्ट की है, पहले मैं पढ़ाता रहा हूँ, पढ़ाया भी है मैंने, लेकिन ये सारी की सारी यहाँ पे आके जो है ना वो मैंने लर्न किया है। अब इसी तरह से है, जब आप देखोगे सर्च करोगे, यूट्यूब हर कोई देखता है, सेलफोन हर एक के पास है, नेट यूज करते हो, यूट्यूब देखते हो, वहां पे आप कोई भी अगर चीज है जस्ट फॉर 5 मिनट, अब वहां पे बायोइन्फॉर्मेटिक डेटाबेस का 2-5 मिनट की वीडियो इज इक्वल टू 1 सॉन्ग, उसकी कुर्बानी दे दो सॉन्ग की एक की, तो देख लो तो आपको समझ आ जाएगी। कोई इतना बड़ा ये चीज नहीं है कि भाई इंसान के माइंड से बाहर हो। अब से उसको कहते हैं ना बाईपास समझ लो, तो ज्यादा बेहतर है। आप कभी भी उसको रिमाइंड करोगे तो आपके माइंड से जाएगी नहीं। हाँ जी, और बच्चे कोई भी? Excuse me, sir. जी बच्चे, मेरा एक और क्वेश्चन है कि म्यूटेशन मोस्टली इनहेरिटेड होती है, अगर म्यूटेशन नॉन इनहेरिटेड हो जाए तो हम उसको कैसे डिटेक्ट या प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं? हमारे पास यही बायोइन्फॉर्मेटिक्स के एसेज होते हैं कि हमने देखना है कि नॉन इनहेरिटेड। अब होल जीनोम में हम या तो क्या करेंगे, जितने भी हमारे जर्म सेल्स हैं उनसे हम लेते हैं, अगर वो जर्म सेल्स के अंदर म्यूटेशन मौजूद है, सेम वही हम एक्सपेरिमेंट या वही टेक्निक्स यूज करते हैं जो हम जर्म सेल के लिए करेंगे, भी एग सेल है या फिर स्पर्म सेल है उनके लिए हम डिटेक्ट कर रहे हैं, या फिर हम सोमेटिक सेल्स हैं उनको ले रहे हैं, जैसे ब्लड सेल्स हैं, या हम टिश्यू से लेते हैं सैंपल्स, सेम वही टेक्निक्स हैं, सिक्वेंसिंग भी वही है, वही एसेज हम प्रोटीन के ऐसे भी वही यूज करते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि हमने सैंपल कहाँ से लिए, हमने सोमेटिक सेल से लिए, फिर हम उनकी हिस्ट्री देखते हैं,
फैमिलीज की, क्या ये जनरेशन टू जनरेशन पास आउट हो रहे हैं? अगर तो वो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट हो रही है वो डिजीज, तो हम उसको क्या कहते हैं, ये जेनेटिकली इनहेरिटेड डिजीज है। लेकिन अगर वो एक जो है वो क्या उस कहते हैं जनरेशन में मौजूद है, नेक्स्ट में पास नहीं हो रही, फिर उसके साथ हमने हिस्ट्री जोड़ी कि हमने इस ये सैंपल लिए थे कहाँ से, सोमैटिक सेल से, तो सोमैटिक सेल से तो जनरेशन जो है वो जेनेटिकली इनहेरिटेड आगे मूव नहीं ना करती, तो फिर उसको हम कहते हैं कि ये क्या करती होती है हमारे पास इनहेरिटेड डिजीज नहीं है। हाँ, जब हम उनकी डिटेक्शन करेंगे तो हमारे पास प्रोटोकॉल मेथडोलॉजी सेम होती है दोनों सेल्स को डिटेक्ट, उनके अंदर जो है वो जीन्स को डिटेक्ट करने की। जी सर, थैंक यू सर। जी वेलकम। अच्छे सर, हम जब पढ़ते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में तो मोस्टली हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इसको मतलब एज अ फीचर कह रहे हैं, मॉलिक्यूलर फीचर लेते हैं। तो इस एंजाइम का काम होता है कि अगर वेक्टर या वायरस का डीएनए आ रहा है तो उसे कट करना है, मतलब उसने फॉरन को, अगर वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के लिए फॉरन डीएनए है तो उसने फॉरन डीएनए को कट कर दिया। तो लेकिन जब हम खुद इंट्रोड्यूस करते हैं जीन्स लाइक वेक्टर प्लाज्मिड के तौर पर या और जो खुद बैक्टीरिया में, तो वो भी तो बैक्टीरिया के लिए फॉरन चीज है, तो तब रेस्ट्रिक्शन एंड एंजाइम अपना काम क्यों नहीं करता? हम उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, हम उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, हम उसको अगर मीडियम, जिस मीडियम के अंदर बैक्टीरिया ग्रो किया जाता है ना, उसके अंदर हम केमिकल ऐड करते हैं। अगर तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक्टिव रहेगा तो वो जैसे हमने अपना इंटरेस्टेड जीन या डीएनए पार्ट जो है वो इंसर्ट करवाया, वो तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी एक्टिविटी को स्लो डाउन करना पड़ेगा या न्यूट्रल करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास जो है वो एगर मीडियम्स आ जाते हैं कि जिसमें बैक्टीरिया को हम ग्रो करवाते हैं प्लेट्स के अंदर, हम उसमें डाल देते हैं उसको, उस केमिकल को, तो वो क्या करेगा, बैक्टीरिया उसको एब्जॉर्ब करेगा, उसका सिर्फ और सिर्फ वही स्पेसिफिक एंजाइम जो वो क्या हो जाएगा, वो उसकी एक्टिविटी मिनिमाइज हो जाएगी या स्टॉप हो जाएगी। थैंक यू सर। वेलकम। सर, आपने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का, कि वन मेडिसिन या सिंगल मेडिसिन फॉर अ सिंगल पर्सन। तो सर, अब वो क्या कुछ मेडिसिन तो ऐसे होती हैं जो स्पेसिफिक होती हैं, मतलब किसी एक ही पेशेंट के लिए होती हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो डिफरेंट पेशेंट्स को भी दी जा सकती हैं, तो क्या अब हर पेशेंट के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए एक अलग अलग मेडिसिन बनाई जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। पर्सनलाइज मेडिसिन का मतलब ये होता है ना कि हम जेनेटिक मेकअप के अंदर आने वाली चेंजेस, अब यहाँ पे हमारे यहाँ बैकग्राउंड में हम ये बात कर रहे थे उस दिन भी, हमारे यहाँ डॉक्टर क्या करते हैं, ट्रायल एंड एरर पे बेस पे हमें जो है वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। ठीक हो गया। जब हमारे पास एक पूरे का पूरा जेनेटिक मैप मौजूद होगा ह्यूमन का, तो हम क्या करेंगे, उसमें देखेंगे कि भाई प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, जहां पे प्रॉब्लम आ रही होगी उसी को हम टारगेट करके उसी के अकॉर्डिंग मेडिसिन जो है वो क्या करते हैं, डेवलप करेंगे। और वो एक सिंगल मेडिसिन, यूनिवर्सल मेडिसिन फॉर एग्जांपल आ गई, जब हम दोबारा से हम इंडिविजुअल का देखते हैं कि भाई इसको ये इश्यू आ रहा है, इसके जेनेटिक मेकअप के साथ वही सिम्टम सेम डेवलप हो रही है, तो हम वो मेडिसिन फिर ट्रायल और एरर बेस्ड चीज नहीं रहेगी, फिर वो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक स्पेशलाइज्ड जेनेटिक बेसिस के ऊपर डेवलप मेडिसिन होगी जो कि इफेक्टिव होगी उसी डिजीज के अगेंस्ट, चाहे वो किसी भी इंडिविजुअल में हो जाए, वो चाहे एक एरिया के अंदर इंडिविजुअल में हो, किसी दूसरे के अंदर हो, तीसरे के अंदर हो, तो वो क्या हो जाएगी, वर्क करेगी। ये हम इसको हम कहते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, कि जो इन जेनेटिकली इनहेरिटेड इफेक्ट्स होते हैं ना, उनके रिस्पांस में वो डेवलप करवाएं। जो पहले बात की ना कि जेनेटिकली आगे भी मूव की जा सकती हैं, दूसरे एंगल से इसको हम अगर ले लें, भाई एक अगर फैमिली के अंदर एक बाल्डनेस की जो है, गंजेपन की जो डिजीज है, वो मूव कर रही है आगे, अब जेनेटिक मेकअप आया, जीन को टारगेट किया, उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन जो है वो
डिजाइन की गई। अब जब वो एक जनरेशन में हम प्रोवाइड करेंगे, मींस एक जनरेशन की वो पर्सनल हो गई, एक स्पेसिफिक चीज को टारगेट कर रही है, इसको भी हम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के टर्म के अंदर इजीली जो समझ सकते हैं, फिर वो डिजीज आगे जो है वो क्या करेगी, प्रिवेल नहीं करेगी। जी जी नहीं सर, अब और कितने सेशन करने हैं आपने? बच्चे वैसे चलें ठीक हो गया जी। ओके जी, ओके ओके बच्चे।